Hi, this is Junaid Jamshed, and you're watching the number one program on television, Dhanak. दिल दिल पाकिस्तान के हवाले से एक नाम जहन में आता है, वो नाम है जुनेद जमशेद और वाइटल साइंस का। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जुनेद, आपको वाइटल साइंस भी आपने शुरू किया ग्रुप के साथ, पहला गाना जो बहुत मकबूल हुआ वो दिल दिल पाकिस्तान था, वो कैसे आपके जहन में आया दिल दिल पाकिस्तान? एक्चुअली हम ये 87 की बात है, हम एज अ बैंड प्ले किया करते थे वेस्टर्न ट्यून्स जो थी, तो हम एक जगह पे प्ले कर रहे थे। वहाँ पर हमें ये हमारे प्रोड्यूसर हैं शुएब मंसूर, जी, उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि हम दिल दिल पाकिस्तान करते हैं। और वो एकदम से पूरे पाकिस्तान में, हाँ वर्ल्ड जी, में। ये बस समझ में नहीं आया कैसे हुआ, लेकिन आई मीन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से हमें बड़ा एक इंकरेजमेंट मिली जी, टू टू डू वेल। जो वाइट दिल दिल पाकिस्तान था, इसकी मौसीकी और इसकी जो तरतीब है, सब आपने खुद जी की? जी और जी इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था ये निसार नासिक हैं, एक जी, शायर, उन्होंने। तो वाइटल साइंस से फिर आपने एक अलग अपना सोलो करना शुरू किया, उसकी क्या वजह थी? ये इस मतलब इससे ये मुराद बिल्कुल भी नहीं थी कि हमने बैंड तोड़ दिया या अब हमें उनके साथ काम नहीं करना। बस ये था कि हम लोग आपस में हर एक ने अलग अलग से सोलो करियर्स भी अपना लिए। रोहेल ने एक पूरा वीडियो सेटअप लगा लिया, शहजाद ने एक ऑडियो सेटअप लगा लिया, तो मेरे पास टाइम था, तो जी मैंने जी कहा मैं एक और एल्बम कर लेता हूँ। तो जब मैंने अपनी एल्बम की, उसके 4-5 महीने के बाद हमने फिर ये वाइटल साइंस की एक और एल्बम की, जीतेंगे के नाम से। जी 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 तो कितनी एल्बम्स आपने अभी तक की हैं? अब तक हम चार तो मैं वाइटल साइंस के साथ कर चुका हूँ, जी जी एक मेरी अपनी है। अच्छा, तो जब आप वाइटल किसान के साथ करते हैं और सोलो करते हैं, तो क्या आपको फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क तो महसूस होता है, वो ये है कि मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, जी, और यू नो इंडिविजुअली उन सबका बड़ा नाम भी है, और एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, जो कि उनको देखने आती है अलग अलग से। तो और जब मैं अकेला होता हूँ तो फिर मैं अकेला होता हूँ, जनरली जो ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पे होती है। जो सोलो गाने आप गाते हैं वो ज़रा आप मतलब स्लो उसमें होते हैं, उसकी क्या वजह है? एक्चुअली उसी किस्म के गाने मैं करना चाहता था, वो अच्छा, गाने भी मैं करना चाहता था, यही वजह थी कि मैंने सोलो एल्बम की। तो आपने ये मौसीकी कहीं से सीखी? कोई आपके उस्ताद थे या कोई सिलसिला था या खुद से शौक बचपन? एक्चुअली उस्ताद तो नहीं थे जी मैं, ये जो मेरे प्रोड्यूसर हैं शुएब मंसूर, जी जिनके जी साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ, इनको आप अगर उस्ताद कह लें या दोस्त कह लें, जो जी भी, जी जिनके साथ यू नो मैं एवरी नाउ एंड देन, आज दिन तक 10 साल से मैं जिनके साथ, तो बस हम लोग मिल के ही बनाते रहते हैं। कोई आइडिया पसंद आया, उसके ऊपर थोड़ा काम किया, अच्छा लगा तो रख लिया, नहीं अच्छा लगा रिजेक्ट कर दिया। तो जब आप एक प्रोग्राम करते हैं कॉन्सर्ट में, बहुत सारे फैंस आपसे पीछे मिलने भी आते हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं, तो आपकी वाइफ जो है आयशा, वो क्या फील करती हैं इस बारे में? उसने तो मेरे साथ टूर पे जाना छोड़ दिया, अच्छा, क्योंकि आई एम श्योर वो जो कुछ फील करती थी उसी की वजह से वो अब, वो एक्चुअली मेरा ख्याल है अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रियलाइज़ करती है कि इसी आर्टिस्ट कुछ अरसे के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो जाता है जी, किसी हद तक। उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो उसके फैंस, और वो उसको अपने फैंस और अपने सुनने वालों की तरफ डिवोट करना पड़ता है, तो इस वजह से वो ये उसके घर वालों पर ही होता है कि वो इन टाइम इस बात को रियलाइज़ कर लें। तो आपका बेटा क्या महसूस करता है कि? मेरा बेटा तो बहुत खुश होता है अच्छा, बहुत खुश जी, होता बल्कि वो दो हैं, वो दोनों के दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। है। अच्छा, तो उनको भी शौक है कुछ गाने का या? अभी तो खैर छोटे हैं बहुत, अभी तो मुझे मालूम नहीं कि शौक किस हद तक है, जी, लेकिन है ज़रूर, मेरे कॉन्सर्ट्स भी जाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं वीडियो एल्बम्स के अलावा? म्यूज़िक इतना आपका टाइम ले लेता है कि आपके पास कुछ और करने का वक्त नहीं होता, या आप म्यूज़िक बना रहे होते हैं, या आप उसको सोच रहे होते हैं, या आप स्टूडियो में होते हैं, या आप वीडियो कर रहे होते हैं, या आप कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, या टूर पे निकले हुए होते हैं जी, लास्ट जो एल्बम आपने किया वो इंग्लैंड में किया था, जी।
तो आपके ख्याल में प्रोडक्शन के लिहाज से क्या फ़र्क था पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्वालिटी? एक्चुअली मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड में मैंने नहीं किया था कि प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी मिलेगी वहाँ पर, मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि वहाँ पर मुझे कोई प्रोड्यूसर एक आध को अच्छा मिल जाएगा तो एल्बम ज़रा डिफरेंट साउंड करेगी। पाकिस्तान में अभी एक से एक वो है स्टूडियो हैं, तो जो दुनिया में जो टॉप स्टूडियोज़ हैं अगर वो 20 हैं तो पाकिस्तान में 19 हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ हैं और एक दो भी नहीं है, 10, 12, 15 हैं। तो ये मेरे जहन में आइडिया नहीं था कि मेरी कैसेट की क्वालिटी अच्छी होगी। मैं तो एक प्रोड्यूसर के साथ, किसी बाहर के प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाह रहा था, ये वजह थी। इसके अलावा फिल्म में भी आने का इरादा है आपका? जी हाँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि देखिए कि शोबिज़ की ही एक फील्ड है जी जी, और मैं ये फील करता हूँ कि मुझे एक्चुअली ये 97 आ गया, मुझे 1990 से फिल्म्स की ऑफ़र हो रही हैं और एक से एक बड़े लेबल ने आके मुझे बोला है जुनेद तुम फिल्म करो हमारे साथ। लेकिन उस पॉइंट पे मैं रेडी नहीं था, मैं अपने म्यूज़िकल करियर के बारे में बहुत सीरियस था। तो अब मैं मतलब फील करता हूँ कि 10 साल हो गए हैं और मैंने 4-5 एल्बम्स कर ली हैं और अभी भी मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, तो अपने आप को शोबिज़ में आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसको कि मैं और इन्जॉय करूँ। तो एक्टिंग के लिहाज से आप किस किस्म का रोल अदा करना पसंद करेंगे? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है कि मैं कौन सा रोल अदा करना चाहूँगा। मैं मैं तो इस तरह का कोई काम करना चाहूँगा जो मैं कर सकूँ, बिकॉज मैं आई एम बेसिकली अ नोविस, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। मैं एक्टर तो हूँ नहीं अभी जी जी। लेकिन यह है कि क्योंकि मैं फिल्म भी अपने प्रोड्यूसर के साथ ही कर रहा हूँ, शुएब मंसूर के साथ जी जी, सो ही हैज़ एन आइडिया कि मैं व्हाट काइंड ऑफ रोल आई शुड बी डूइंग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके बहुत सारे गाने एल्बम्स में कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। मुझे बहुत पहले सांवली सलोनी बड़ा पसंद था जी जी, मैं बड़ा इन्जॉय करता था, आज भी कॉन्सर्ट पे तो आज भी इन्जॉय करता हूँ। लेकिन जो जिस किस्म की मेरी तबीयत है वो मैंने तीसरी एल्बम में गाना किया था एतबार जी जी, एतबार भी आ ही जाएगा जी जी, सुना तो वो दैट सॉन्ग इज़ व्हाट आई जनरली इन्जॉय लिसनिंग टू। आपके ख्याल में एक अच्छी मौसीकी में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? एक अच्छी मौसीकी में सिंपलिसिटी जो है जी जी, उसकी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाना ऐसा हो कि एक 4 साल का बच्चा भी उसको गा सके, और अगर गा ना सके तो यह है कि उसको हम कर सके जी जी। और फिर यह है कि अगर वो इस, और अगर कोई तेज़ गाना हो तो वो ऐसा हो कि वो शुरू हो तो लोगों के यू नो दे फीट शुड स्टार्ट टैपिंग। ये मेरे ख्याल है 2-3 चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे गाने को बनाती हैं, सिंपलिसिटी आई वुड से। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं एक गाना निकालने से पहले, उसके तख्लीक से पहले, या ये खुद ब खुद तो आता ही है लेकिन सोचना पड़ता है। और मतलब किस्मत की बात है, अगर मतलब जिस तरह आप दिल दिल पाकिस्तान, मुझे अभी तक याद है 7 दिन लगे थे उसको बनाने में। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, कुछ इत्तेफाक से एकदम आता जाते हैं, आते जाते हैं, आते हैं, तो वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर हो जाते हैं। जिस तरह हमने जीतेंगे किया था जी जी, जीतेंगे में हमें 3-4 महीने लग गए थे उसको बनाने में कि किस तरह का होना चाहिए। तो ये क्योंकि क्रिएशन है, और क्रिएशन जो है वो एक्चुअली अल्लाह की देन होती है, तो वो मतलब वो क्रिएटर तो वो है, वो अगर आपके भेजे में डाल दे एट अ सर्टेन पॉइंट और वो तो कड़ी से कड़ी मिलती रहती है तो आगे गाड़ी चलती रहती है। धना के ज़रिए हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि हमें बड़े लेटर्स आते हैं USA, और अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि फ्लोरिडा से कितने आए हैं जी जी। लेकिन आते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं हमेशा से मतलब ये इत्तेफाक की बात है कि पहली दफ़ा आ रहा हूँ मायामी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम टू मायामी। तो लेकिन ये है कि अब हम वील बी ईजिली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, और विद इन अ मंथ सो हमारे सारे स्केड्यूल्स और हमारी एल्बम्स कब आ रही हैं, कॉन्सर्ट्स कहाँ हो रहे हैं, क्या है, अब क्या कर रहे हैं, सबकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे मिल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद।